Hey guys, this is Shrinidhi Bandi and I hope you're all doing great. So इस वीडियो में मैं एक मूव सीख रहा हूँ, that is handstand hold. So let's find out कि अभी फिलहाल मैं handstand कितनी देर तक कर पाता हूँ. So फिलहाल maximum 4-5 seconds तक ये भी handstand कर पा रहा हूँ due to some little experience and practice. But इस time को मुझे improve करना है. So at the end improve होने के बाद मेरा goal है for at least 30 seconds ये position को hold करना. So at the end मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से techniques और progressions को मैंने use किए to achieve that. So to hold a proper handstand मैंने ये सीखा कि चार बातें को हम लोग को याद रखनी है. First is proper upper body strength होनी चाहिए to be able to hold our bodies upside down, मतलब उल्टा हैंड पे खड़े रहने के लिए. और सेकंड बात यह है कि हम लोग का बॉडी जो है स्टैक होना चाहिए, मतलब योर शोल्डर मसल शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर हैंड्स, हैंड्स के ऊपर शोल्डर होना चाहिए. ग्लूट्स जो है, मतलब ये बम्प जो है, बम्प मतलब ये ग्लूट्स, बम्प के अंदर जो मसल्स है तो उसको ग्लूट्स बोलते हैं. ग्लूट्स जो है ऑन टॉप ऑफ शोल्डर होना चाहिए और जो फीट है वो ऑन टॉप ऑफ ग्लूट्स होना चाहिए, मतलब एक मसल के ऊपर एक. जैसे बुक्स एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो गिरेंगे नहीं, ऐसे ही हम लोग के बॉडी में भी सेम सीन है. एक के ऊपर एक हम लोग मसल को स्टैक करेंगे तो वो गिरेगा नहीं, टेढ़ा टेढ़ा रखेंगे तो वो गिर सकता है. जैसे बुक्स भी है वो गिर सकता है. सो ये है कुछ बातें. तो हम लोग फर्स्ट स्टेप को सीखते हैं कि प्रॉपर अपर बॉडी स्ट्रेंथ हम लोग कैसे लाएंगे अपने में. सो उसके लिए दो स्टेप्स हैं. द फर्स्ट स्टेप में हम लोग, मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस बताऊँगा जिसको प्रैक्टिस करने से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप में प्रॉपर अपर बॉडी स्ट्रेंथ आ जाएगा टू गो ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप में 5 एक्सरसाइजेस हैं. उनमें से फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है पाइक होल्ड. सो मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज कैसे करते हैं. सो आप एक पुशअप पोजिशन में आ गए, आपको हाथ को ऑल द वे पीछे लेके जाना है और एक पाइक को फॉर्म करना है. दिस इज द पाइक होल्ड पोजिशन. इसमें आपका जो शोल्डर है वो आपके फिंगर टिप से अलाइंड है और आपका जो बॉडी है हील से लेके हिप्स तक पूरा स्ट्रेट है, हिप्स से लेके हैंड्स तक पूरा स्ट्रेट है. सो दिस इज द पाइक होल्ड पोजिशन. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, ये थोड़ा ट्रेन करने का, प्रैक्टिस करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है, दैट इज एलिवेटेड पाइक होल्ड. अगर आप एलिवेटेड सरफेस पे करोगे, मतलब थोड़ा सरफेस जो हायर लेवल पे, उसको हम एलिवेटेड पाइक होल्ड बोलेंगे. सो सिमिलर टिप्स को आपको अप्लाई करना है. पुश अप पोजीशन ऑल द वे टू पाइक होल्ड. में भी हील से लेके हिप्स तक आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, हिप्स से लेके हैंड्स तक आपका बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए. सो मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट इज पाइक वॉक्स. पाइक वॉक्स में आपको पाइक होल्ड को ही आगे लेके जाना है, आगे बढ़ते रहना है. जैसे हम लोग चल रहे हैं ऐसे ही पाइक होल्ड में आपको चलना है. जैसे ऐसे करना है इसको, पुशअप पोजिशन में पाइक होल्ड पोजिशन में आए, हाथ को आगे पैर को आगे, हाथ को आगे पैर को आगे, हाथ को आगे पैर को आगे, हाथ को आगे पैर को आगे. तो दिस इज द पाइक वॉक एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को ट्रेन करने के बाद आपको बढ़ना है टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज शोल्डर टैप्स. उसमें आपको पाइक होल्ड पोजिशन पे रहना है, बस शोल्डर को टैप करना है. जैसे पाइक होल्ड शोल्डर टैप्स. बस आपको मेक श्योर करना है कि आप जब भी एक्सरसाइज करें आपका बॉडी जो है स्ट्रेट स्टैक्ड. आपको कॉन्शियस होकर सोचना है कि मेरा बॉडी स्टैक्ड है ऑन टॉप ऑफ इटसेल्फ और आर्म्स जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट है. आर्म्स अगर बेंड होंगे तो आपको प्रॉपर बैलेंस नहीं मिल पाएगा.
मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप दैट इज वॉल वॉक्स। वॉल वॉक्स के लिए आपको एक पुशअप पोजीशन में आना है, वॉक ऑल द वे अप और लास्ट में आपको अपने बॉडी को स्टैक करना है कंप्लीटली स्ट्रेट। आर्म्स शुड बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड वर्क ऑल द वे टू डाउन स्मॉल स्टेप्स। अगर आप स्टार्टिंग में पूरा ऊपर तक नहीं जा सकते तो प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप जा सकते हो इवन इतना आप अगर इतना होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे। इतना ऊपर जा सकते हो तो इतना ऊपर जाओ, इतना ऊपर जा सकते हो तो इतना ऊपर जाओ, तब फाइनली इतना स्ट्रेंथ जनरेट कर लोगे कि आप पूरा ऊपर जाओगे पूरा ऐसा। एंड स्मॉल स्टेप्स लेके नीचे हम लोग ने प्रॉपर अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इन दो एक्सरसाइजेस से इन दो स्टेप्स से जनरेट कर लिया होगा टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो द नेक्स्ट स्टेप इज हैंड स्टैंड किक अप। इसमें मैं आपको पहले बता दूंगा कैसे करना है, फिर मैं पहले परफॉर्म कर देता हूँ कि कैसे किया जाता है, फिर आपको बताऊँगा कैसे करना है। तो इसमें आपको आर्म्स जो है कम्प्लीटली स्ट्रेट रखना है, बॉडी को कम्प्लीटली स्ट्रेट रखना है और आपका जो हेड है वो आपके फिंगर टिप से अलाइंड होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर हैंड स्टैंड में आ सको। सो और जो आपका प्लेसमेंट है हैंड्स का और जिधर आप देख रहे हो वो एक ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए। जैसे आप ये अगर ग्राउंड है तो ये मेरा हैंड्स प्लेस है, यहाँ पे मैं जहाँ पे देख रहा हूँ और मेरा जो फिंगर टिप्स है वो एक ट्राइंगल फॉर्म करना चाहिए लाइक दिस। मैं जहाँ पे देख रहा हूँ फिंगर टिप्स ट्राइंगल। सो ये आपको एक फोकस पॉइंट देगा जिससे आपको मदद मिलेगी, आप गिरोगे नहीं हैंड स्टैंड से। सो और जो आप जब भी किकअप में जाओगे, किकअप मतलब आप ऊपर जा रहे हो तो एक लेग जो है किक करेगा ग्राउंड से, सेकेंड लेग कम्प्लीटली स्ट्रेट रहेगा और आप फर्स्ट आपके हिप्स, इसको हिप्स बोलते हैं, फर्स्ट आपका हिप्स जाएगा, सेकेंडली आपका लेग्स और फीट ऊपर जाएगा। फर्स्ट हिप्स विल गो अप एंड सेकेंड आपका लेग्स और हिप फीट जाएगा, इससे आपको एक प्रॉपर मोमेंटम मिलेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, पहले ही उल्टा गिर जाओगे अगर आप पहले लेग को ला रहे हो ऊपर तो। सो मैं फिर से आपको करके बता दूँ, हेड्स अलाइन विद योर फिंगर टिप्स जहाँ पे देख रहे हो और फिंगर टिप्स का प्लेसमेंट मेकिंग अ ट्रायंगल। सेकेंड लेग कम्प्लीटली स्ट्रेट, राइट लेग रेडी टू किक ऑफ, ऊपर स्लो एज पॉसिबल जाना है। नीचे आते वक्त ब्रिंग टू लेग्स स्ट्रेट, पहले फर्स्ट लेग नीचे आएगा फिर सेकेंड लेग नीचे आएगा। सो दिस इज द हैंड स्टैंड किक अप। आपको कैसे पता चलेगा कि आप मूव को ये मास्टर कर चुके हो? आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत स्लो जाओगे। इनिशियली क्या होगा पता है, इनिशियली आप ऐसे जाओगे, ऐसे होगा इनिशियली, क्योंकि आप में वो कंट्रोल अभी तक आया नहीं है। प्रैक्टिस करने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका स्लो हो जाएगा एकदम। जैसे मैंने इसको प्रैक्टिस किया है तो मेरा एकदम स्लो हो जा रहा है। सो जब भी आपका स्लो जाएगा एकदम तभी आपको पता चलेगा कि ये मूव मैंने मास्टर कर लिया। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप पे आते हैं, दैट इज हैंड स्टैंड फिंगर प्रेस। सो जब भी आप हैंड स्टैंड करते हो आप या तो आगे जाओगे या तो पीछे जाओगे। जैसे मैंने हैंड स्टैंड किया तो या तो मैं आगे जा रहा हूँ या तो पीछे आ रहा हूँ। सो ये हैंड स्टैंड फिंगर प्रेस हमको अलाउ करेगा टू अपोज द मूवमेंट आगे जाने के लिए। हम लोग आगे जा रहे हैं हैंड स्टैंड पे, हम लोग आगे गिर रहे हैं। आगे नहीं गिरने के लिए हमें हैंड स्टैंड फिंगर प्रेस हेल्प करेगा। हम लोग प्रेस करेंगे फिंगर में
एकदम जोर से प्रेस करेंगे ताकि हम लोग का जो बॉडी है वो पीछे आ सके। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करें। ऊपर गए हैंड स्टैंड पिकअप में, फिंगर प्रेस से प्रेस करना है, प्रेस प्रेस प्रेस, स्लोली नीचे आना। सो आपका जो, जैसे ये मेरा अगर ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, आपको फिंगर को प्रेस करना है। ऐसे आप एक बॉल पकड़ रहे हो और एक कीबोर्ड को दबा रहे हो, ऐसे काइंड ऑफ थिंग्स प्रेस करना है ताकि आपका बॉडी जो है पीछे आ सके, स्लोली पीछे आ सके। सो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक अपने बॉडी को लाना है स्लोली एंड स्टेडीली। सो ये मूव को आप मास्टर करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मास्टर किया है? सेम, जितना स्लो आएगा उतना बेटर है, उतना आपने कंट्रोल लाया है अपने प्रैक्टिस सेशंस में। सो वही, और आपको मिनिमम 15 कंसेक्यूटिव रेपिटेशंस को करने आना चाहिए हैंड स्टैंड फिंगर प्रेस का। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। सो प्रीवियस स्टेप्स में हमने ये सीखा कि हम लोग का बॉडी जो है परफेक्ट हैंड स्टैंड पोजिशन को होल्ड करने के लिए स्टैक करना चाहिए, मतलब एक मसल के ऊपर एक मसल के ऊपर दूसरा मसल, दूसरा मसल के ऊपर तीसरा मसल। तो उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करने के लिए हमको एक मूव को प्रैक्टिस करना है, दैट इज हैंड स्टैंड फेसिंग द वॉल। ये आप किसी भी स्टेप के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरा बॉडी जो है ऑन टॉप ऑफ इटसेल्फ है, स्टैक्ड है। इसको प्रैक्टिस करने से हम बहुत जल्दी हैंड स्टैंड मूव को सीख पाएंगे। सो लेट मी शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। बॉल वॉक करते हुए ऊपर जाना है, आपको वो पोजीशन को होल्ड करना है, मे बी 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds। तो धीरे धीरे आपको ये टाइम को बढ़ाना है टू 45 seconds, टू 60 seconds। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा स्ट्रेन ना दें अपने बॉडी को, क्योंकि क्या हो सकता है कि मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं कुछ ज़्यादा ही ट्राई कर रहा था तो मेरा जो है अचानक रिस्ट ट्विस्ट हो गया। तो इसलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना इसको, जस्ट प्रैक्टिस इट एज लॉन्ग एज द बॉडी अलाउज। और द फिफ्थ स्टेप टू लर्निंग दिस हैंड स्टैंड इज हैंड स्टैंड फिंगर प्रेस एंड रिलीज। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि हैंड स्टैंड फिंगर प्रेस में हम लोग का, जब भी हम लोग हैंड स्टैंड करते हैं तो आगे ना गिरे, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हैंड स्टैंड में फिंगर को प्रेस करते हैं। वैसे ही हैंड स्टैंड में पीछे ना गिरे उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग वही प्रेशर को रिलीज करेंगे ताकि हम लोग पीछे ना गिरे। हम लोग ये ट्राई करेंगे हम लोग एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करें, आगे नहीं गिर रहे हैं प्रेस करेंगे तो पीछे आएंगे, पीछे नहीं गिर रहे उसको रिलीज करेंगे तो फिर से आगे आएंगे, एक मिडिल पोजीशन को मेंटेन करते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे हम लोग हैंड स्टैंड पे फिंगर को प्रेस कर रहे हैं, आपको जब भी लगे कि मेरा बॉडी कुछ ज़्यादा ही पीछे आ रहा है, आपको रिलीज़ करना है वो प्रेशर को ताकि आप आगे जाए। आपको जैसे ही लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा हूँ, फिंगर पे प्रेस करना है ताकि आपको लगे आप पीछे आ जाए। सो यही पोजिशन को आपको मतलब आगे पीछे करते रहना है जब तक आप अपने बॉडी को फाइंड करें कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है और एक इक्विलिब्रियम पोजिशन पर है। तो मैं ये खुद मूव सीख रहा हूँ, मेरे को ये मूव को मास्टर करना है अभी तक। ये मूव सबसे मेरे को टफ लगा बाकी सारे स्टेप्स से, क्योंकि इसमें इसको सीखने के लिए बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि बाकी सारे स्टेप्स को सीखने में जितना टाइम जाएगा उसको कंबाइन करके भी उससे ज़्यादा टाइम इसमें जाएगा। सो थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। तो
हमने ये देखा कि एक हैंड स्टैंड में हमारा बॉडी कम्प्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम आर फिंगर टिप्स टू शोल्डर स्ट्रेट, शोल्डर से लेके ग्लूट्स स्ट्रेट, ग्लूट्स से लेके फीट पूरा स्ट्रेट होना चाहिए एक कम्प्लीट स्ट्रेट लाइन में। बट हमारा यूजुअली जब हम हैंड स्टैंड सीखना स्टार्ट करते हैं, वैसे हमारा हिप्स का जो पोजिशन है वो हमें थोड़ा सा आगे रखता है, उसकी वजह से हमारा बॉडी कर्व फॉर्मेट में रहता है रादर देन बीइंग स्ट्रेट। तो वो कर्व फॉर्मेट को एलिमिनेट करने के लिए हम हिप्स के पोजीशन को पीछे लाएंगे ताकि हमारा बॉडी स्ट्रेट रहेगा। अगर हमारा हैंड स्टैंड ऐसा है तो हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारा हैंड स्टैंड ऐसा होता है एकदम कर्व फॉर्मेट में। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा हिप्स का जो पोजीशन है वो आगे होता है रादर देन पीछे। तो वो पीछे लाने के लिए हम हिप्स को पोजीशन को पीछे रखेंगे। सो, उस बॉडी को उस मूवमेंट से यूज होने के लिए हमें एक एक्सरसाइज को करेंगे, दैट इज हिप्स बैक। हम एक हैंड स्टैंड के पोजीशन को अज्यूम करेंगे और हम अज्यूम करेंगे हम हैंड स्टैंड कर रहे हैं कि हमारा जो पाम था वो फ्लोर को टच कर रहे हैं और फीट को हवा में है और हमारे हिप्स को पीछे मूव करेंगे ऐसे। हम ये रेपिटेशंस के लिए करेंगे ताकि हम हमारे बॉडी को यूज टू करवाए ये मूवमेंट में ऐसा। 1, 2, 3, 4, 5 ये मूवमेंट को ओवर टाइम प्रैक्टिस करने से हमारा हिप्स जो है उसका पोजीशन हमें यूज टू करवा देगा परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में आने के लिए रादर देन अ कर्व फॉर्मेट। सो इसके बाद जो है एक और प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं दैट इज हम हैंड स्टैंड में आ जाते हैं बट वो हैंड स्टैंड से वापस गिर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हैंड स्टैंड कर रहा हूँ, मैं आया इधर ही गिर गया, पूरा हैंड स्टैंड ख़त्म होने तक हम पूरा वापस जा नहीं पाते, पहले ही गिर जाते इवन तो हमने हैंड स्टैंड किकअप्स प्रैक्टिस अच्छे से किए फिर भी। उसके बाद हैंड स्टैंड किकअप्स के बाद ये वाला जो एक्सरसाइज है वो हमें बहुत हेल्प करेगा टू एनेबल अस टू कम इनटू दैट परफेक्ट हैंड स्टैंड पोजिशन। हम लोग पूरा हैंड स्टैंड में आए और उसको होल्ड करें तो वो एक्सरसाइज को मास्टर करने के लिए हम ये एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज डिसमाउंट। डिसमाउंट मतलब हम हैंड स्टैंड के पोजीशन में आएंगे और हम हैंड स्टैंड के पोजीशन में आने के बाद फिर से नीचे गिरेंगे नॉट इन द ओल्ड फैशन वे। हम आएंगे, हम वो इनविजिबल स्ट्रेट लाइन को पास करेंगे थोड़ा सा, जैसे ही हमें ये लगे कि हम सिग्निफिकेंटली पास कर चुके हैं दैट इनविजिबल स्ट्रेट लाइन, हम अपने हिप्स को हिप्स को ट्विस्ट करेंगे, टर्न करेंगे और जिस साइड पे हम ट्विस्ट करें, फॉर एग्जांपल हम राइट साइड पे ट्विस्ट कर रहे हैं तो हम राइट लेग को पहले नीचे रखेंगे और फिर लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे। अगर आप राइट साइड पे ट्विस्ट करना कंफर्टेबल नहीं मानते हो तो आप लेफ्ट साइड पे भी ट्विस्ट कर सकते हो, विच इज़ मोर कम्फर्टेबल टू यू, यू कैन प्रिफर दैट। मेरे लिए राइट साइड प्रेफरेबल है तो मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करते हैं। दिस इज द डिसमाउंट। आप एक हैंड स्टैंड पोजिशन में आए, इनविजिबल स्ट्रेट लाइन को पास किया, हिप्स को टर्न किया और आप नीचे गिरे। पहले राइट लेग को नीचे रखा क्योंकि आप राइट पे ट्विस्ट हो रहे, फिर लेफ्ट लेग को नीचे रखा। पहले ये थोड़ा अनइवन होगा, फिर आप स्लो कंट्रोल्ड वे में नीचे गिरोगे। ये सारे हैंड स्टैंड के प्रैक्टिस को कंबाइन करते हुए दैट इज एनेबलिंग द प्रॉपर शोल्डर स्ट्रेंथ, हैंड स्टैंड किकअप, हैंड स्टैंड स्ट्रेट लाइन, हैंड स्टैंड फिंगर प्रेस एंड रिलीज फॉर द बैलेंस एंड फाइनली डिसमाउंटिंग हमें एक परफेक्ट हैंड स्टैंड को एनेबल करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स डू इट। फाइनली हमने ये हैंड स्टैंड सीख लिया है। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु लर्न दिस हैंड स्टैंड मूव विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस।